धमाल मूवी से धमाल मचाने वाले रितेश देशमुख आज 44 साल के हो गए हैं, लेकिन एक्टर का अंदाज वही पहले जैसा है। कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले रितेश ने हमेशा ही अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाया है, इसी वजह से लाखों फैंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। एक्टर की कॉमिक टाइमिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। रितेश केवल एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी है। केवल फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सितारे भी उन पर जान छिड़कते हैं। एक्टर की लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं। रितेश और जेनेलिया बॉलीवुड के वन ऑफ द पावर कपल कहे जाते हैं और फैंस इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी करते हैं। बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार कपल की तरह इस कपल की मुलाकात भी फिल्म के सेट पर हुई। उस समय दोनों तुझे मेरी कसम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका प्यार पहली नजर वाला नहीं था, बल्कि जेनेलिया को लगता था कि रितेश मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो जरूर घमंडी होंगे। हालांकि जल्द ही उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी। दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। रितेश ने शादी के महज 10 दिन पहले ही जेनेलिया को प्रपोज किया था। उनका प्रपोजल इतना शानदार था कि जेनेलिया उनको मना नहीं कर पाई। करीबन 9 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद कपल आखिरकार शादी के बंधन में बंध गया।